जी सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद मसूद, आप खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। पिछले 24-48 घंटों में दो चार वाकयात बड़े अजब से हुए। एक तो यह है कि लाहौर में पहुंचा और कल बयान कर चुका हूँ कि वहाँ पे जो हालात थे, तो इरादा था कि सब लोगों से मिलूंगा, लेकिन वहाँ पे एक मैदानी जंग बना हुआ था। शुक्र है कि हालात कुछ बेहतर हैं। इसी दौरान मेरा इरादा यह था कि मैं लाहौर से फ्लाई कर जाऊँगा कराची, क्योंकि सईद गनी साहब के साथ मेरा मामला चल रहा है पुराना 2014 से, और उसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वो मैं गया, जज नहीं थे, जज थे मैं नहीं था, आगे पीछे वारंट निकलते हैं फिर उन्हें कैंसिल करवा देता हूँ, तो वो मामला चल रहा है। और सईद गनी साहब के साथ शायद मैं अदालत से बाहर भी मामला हो जाए, जैसे दीगर शख्सियात का उस मुकदमे में होगा। लेकिन उसके साथ ही ये कि चंद रोज पहले तुर्की के हवाले से एक बात मैंने अपने प्रोग्राम में कही थी, मैंने माजरत भी कही थी, वो एक लाइव प्रोग्राम के अंदर क्लिप आ गया था। लेकिन यह है कि उसके बाद पेमरा की तरफ से 14 दिन की पाबंदी मेरे ऊपर लगा दी गई है मेरे प्रोग्राम पे, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे इस बात का एहसास है कि पैमरा ने जो पाबंदी लगाई है वो ठीक है, तो मैं शायद उसको चैलेंज भी ना करूँ। ब्रादर मुल्क के बारे में ऐसी बात मेरी जुबान से गई जो नहीं जानी चाहिए थी, चाहे लाइव था या रिकॉर्डेड था, जो भी था। तो सोशल मीडिया पे आपसे रब्ता रहेगा, यूट्यूब चैनल मेरा है, लेकिन मैं कमिट कर चुका हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल पे पॉलिटिकल कंटेंट नहीं डालूंगा। तो अब आने वाले दिनों में आपसे रब्ता रहेगा, इस दौरान किताबें, काम, बहुत कुछ करना है मुझे, तो वो भी मैं सारा करता रहूँगा, आपसे भी रब्ता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।